नमस्कार दोस्तों, विलेज मसाला चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे एक यूट्यूब फ्रेंड्स हैं गिरिजा कृष्णमूर्ति, जो साउथ इंडियन है, और वो पिछले कई वीडियो से जो है हमें एक ही कमेंट कर रहे हैं कि हम लोग जो अपनी रेसिपी में जो मसाले डालते हैं, खासकर धनिया और गरम मसाला, तो वो हम लोग घर में किस तरह से तैयार करते हैं उन्हें जो है बताना है। तो दोस्तों, पहले तो मैं इनको जो है दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये जो है हमारा वीडियो देखते हैं और इन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, जो धनिया और गरम मसाला है इसे हम लोग घर में ही तैयार करते हैं। आप लोग तो जानते हैं दोस्तों कि जो हम लोगों का काम है खासकर खेत खलियानों में है, और हमारे जो है कोई काम का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, देर सवेर हमारे होते रहते हैं। तो हम लोग ये मसाले जो है तैयार करके घर में रख लेते हैं। तो जो घर में लोग मौजूद रहते हैं, जैसे कभी कभी हमारे बच्चे भी हैं जो खाना बनाते हैं, और जो घर में बूढ़े हैं वो लोग भी खाना बनाते हैं, तो उनको आसानी होती है इन मसालों को डालने में। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ये मसाले हम लोग तैयार कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने धनिया और ये गरम मसाला लिए हैं, इसे हमने देखिए धूप में डाले थे। तो अभी देखिए इसमें से हम कुछ जो है जो इसमें से खरपतवार है इसे हम निकाल लेते हैं। इसमें जो कुछ कंकड़ वगैरह है तो इसे हम बीन लेंगे अच्छे से। देखिए हमने यहाँ ये धनिया लिए हैं, और देखिए ये गरम मसाला, हमारे यहाँ जो गरम मसाला मिलते हैं ये देखिए बिल्कुल मिक्स मिलते हैं। तो इसमें देखिए सारी चीज़ें हैं, ये देखिए इधर ये फूल चक्री है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये दालचीनी, तेज़पत्ता, ये देखिए ये जायफल है, ये जावित्री है, और इसमें देखिए काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, और ये लौंग, और सिया जीरा, जीरा, तो ये सारे जो है गरम मसाले इसमें मौजूद हैं। तो ये देखिए हम इनको धूप में दिखा दिए थे। तो धनिया को देखिए इसमें से हम जो कुछ है इसमें कंकड़ वगैरह है ये हम बीन के निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, ये मार्केट से धनिया हम लोग लिए हैं। इस बार हमने धनिया बोए थे, लेकिन धनिया हमारा जो है बार बार बारिश हो रहा था तो धनिया ख़राब हो गया, और धनिया इस बार घर का नहीं हुआ है। वैसे तो अक्सर धनिया हमारे जो है घर पे ही तैयार हो जाते हैं। तो देखिए मार्केट की चीज़ें जो है ज़्यादा विश्वसनीय नहीं होती हैं, इसीलिए देखिए इसमें देखिए बहुत सारे जो है कंकड़ हैं। तो ये तो हम देखिए बीन का निकाल ले रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, धनिया में से हमने सारे कंकड़ जो है बीन लिए हैं। तो ये जो धनिया हमने लिए हैं ये 250 ग्राम है, यानी एक पाव है, और इसी अनुपात में हम गरम मसाला भी लेते हैं। तो ये गरम मसाला जो है हमारा आधा पाव है, यानी 125 ग्राम है। तो इसका हम अनुपात जो है इस हिसाब से रखते हैं। तो ये मसालों का अनुपात जो है आधा जितना धनिया है इसका आधा गरम मसाला लेते हैं, और इन्हें हम देखिए एक में मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इन्हें हम पीस कर और एक डब्बे में रख लेंगे। तो इसे जब भी हम किसी सब्जी में डालेंगे तो इसे मसालों का अनुपात जो है बिल्कुल सही बना रहता है। ये जिस अनुपात में धनिया पड़ता है उसी अनुपात में गरम मसाले भी पड़ते हैं, तो सब्जी बहुत ज़्यादा बढ़िया बनती है। तो ये धनिया और ये जो गरम मसाला है इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये जो गर्मियों में हम इन मसालों को धूप दिखा कर इसे पीसते हैं, लेकिन जब यही मसाले जब जाड़े होते हैं तो जाड़े में क्या करेंगे कि इन गरम मसालों को हल्का सा हम गरम करते हैं, इससे जो होता है मसालों का स्वाद बहुत बढ़िया आता है। तो चूंकि ये काफ़ी गर्मी और धूप काफ़ी तेज़ थे तो हमने इन्हें धूप दिखा दी है। और देखिए ये मसालों का अनुपात, देखिए ये धनिया और गर्म मसाले का देखिए ये अनुपात है, और इन्हें जब हम पीस लेंगे तो ये सारी चीज़ें एकदम बढ़िया से मिक्स हो जाती हैं, तो हमें अलग से मसाले जो है डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए इन्हें अब हम पीस के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम जो है बारीक एकदम पीस लेंगे। तो अभी तो अच्छे से बारीक नहीं हुए, तभी इसे हम और बारीक कर लेते हैं। तो ये देखिए ये मसाले हमने पीस लिए हैं, और बाकी के भी देखिए, ये जो हमने बाकी के जो धनिया और ये गरम मसाला है इन सबको भी पीस के और इसमें जो है बढ़िया से पहले हम मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसे हम एक डब्बे में भर लेंगे। तो चलिए बाकी के भी मसाले हम पीस लेते हैं। तो ये देखिए ये मसाले देखिए हमने पीस लिए हैं,
और इसे अब हम इस तरह से इस डब्बे में बंद करके रख लेंगे। तो ये हमें सब्जियां बनाने में दोस्तों बहुत आसानी होती है और मसाले कभी कम या ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ सब्जियां ऐसी होती है जिनमें गरम मसालों का ज़्यादा फ्लेवर चाहता है, तो उसके लिए हम गरम मसाला अलग से भी पीस के रखते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसे अब हम डब्बे में बंद करके रख देते हैं। उम्मीद है आपको ये मसाले समझ में आ गए होंगे, और आप भी इस तरह से अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इस तरह से मसाले बनाकर मिक्स करके रख लें। देखिए दोस्तों, कुछ जगह के हिसाब से मसाले भी थोड़े अलग होते हैं, तो लेकिन हमारे यहाँ जो उत्तर भारत में है हम लोग यही मसाले यूज करते हैं और ये हमें काफ़ी पसंद आता है, इसका टेस्ट हमें पसंद आता है। तो अगर आपको ट्राई करना है तो आप इसे एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अब आपसे फिर अगले वीडियो में किसी और मज़ेदार टेस्टी रेसिपी के साथ। तो अभी तो मसाले हम भर के रख लें।